हमारा वैसे प्लान था कि सिटी ड्रीम लें, लेकिन अभी यहाँ पे सिटी 70, अब चेक इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इनके पास सिटी ड्रीम अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर हम यही ले लेंगे, क्योंकि ये हमें 10,000 सस्ती भी मिलेगी। उसकी प्राइस है 168-169 है, इसकी 158 है। तो पहले देखते हैं बाइक। तो फाइनली हमने ये वाली बाइक ले ली हुई है। जो ड्रीम है वो हमें पसंद नहीं आई थी क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक बहुत था, तो हमने ये वाली जो सिटी 70 ये फाइनलाइज़ की है। इसके अंदर पुराना स्टिकर भी अवेलेबल है, जिस तरह के ये पुराना स्टिकर है, लेकिन हमने ज़रा नया स्टिकर लिया है। इन्होंने इसकी एसेसरीज ला के दी हैं, ये इसके साइड शीशे हैं, ये इसकी कोई बुक है ऑनर मैनुअल, ये टूल किट है, ये बैटरी का पानी है। बाइक हमने ले ली है, लेकिन जैसा आपको पता है कि नई बाइक में फ्यूल नहीं होता, तो अब हम जा रहे हैं फ्यूल डलवाते हैं इसके अंदर। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार आज का जो व्लॉग है ना, वो बेसिकली है तो पुरानी बात, लेकिन टाइम अब मिला है कि जैसे कि इस गाड़ी की हमने लास्ट व्लॉग में गैसकेट डलवाई थी, और उसके बाद फिर हमने एक बाइक भी ली थी, शायद आपको मैंने नहीं बताया, और आज के व्लॉग में वही बताऊँगा कि हमने कौन सी बाइक ली थी। उसका व्लॉग मैं नहीं बना पाया, लेकिन वो बाइक मैंने 1000 किलोमीटर चला ली, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि पहले मैं बाइक चला लूँ थोड़ी सी, और फिर मैं आपको उसके बाद में बताऊँगा कि वो बाइक किस तरह की है और किस तरह कितनी एवरेज देती है, और उसकी क्वालिटीज़ और उसकी खामियां वगैरह बताऊंगा आपको। तो बाइक है सीडी 70 2024 मॉडल की। बाइक निकालते हैं बाहर, क्योंकि बाइक अंदर खड़ी करता हूँ। बाहर आपको पता है कि पाकिस्तान है, तो यहाँ पे ना जान महफूज है ना माल महफूज है, तो बाइक हमने अंदर छुपा के खड़ी की है। सबसे पहले ना मैं आपको इस बाइक की जो नए स्टिकर्स आए हैं उसका स्टाइल दिखाता हूँ किस तरह के हैं। तो ये स्टाइल है ये। अब इन्होंने यहाँ पे पहले कैश डिपॉजिट लिखा होता था, अब इन्होंने यहाँ लिख दिया 60 इयर्स ऑफ नेशन राइड, यानी 60 इयर्स से आवाम को चूना लगा रहे हैं। ये बाइक के कुछ ग्राफिक्स हैं। इंजन इन्होंने यहाँ पर सिल्वर कलर का कर दिया है, ठीक है, और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। जो 60 साल पुरानी बाइक आ रही थी बस वही है। बाकी इसकी एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ अभी, तो क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी ये मेरी गलती है, मैंने सीट कवर उतार के नहीं देखा। ये मैं इसका सीट कवर उतारता हूँ, ये देखें आप। आपको यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग किस किस्म के हैं, कि ये बाइक की जो प्राइस है, मैं प्राइस भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें 158 की बाइक है, और क्वालिटी देखें। सो ये बाइक है, अगर किसी ने लेनी हो, वैल्यू टू मनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, लेकिन आजकल जितना पेट्रोल महंगा है, इस बाइक की एक खसूसियात ये भी है कि जैसी भी इन्होंने हल्की कर दी है, बेशक इसमें इन्होंने पार्ट हल्के यूज़ किए, लेकिन ये है कि ये फिर भी चाइना की बाइक से ज़्यादा पायदार है और ज़्यादा रिलायबल है। इसका इंजन भी ज़्यादा देर तक चलता है, इसके पार्ट्स ज़्यादा जल्दी खड़कते नहीं हैं। 70 की बाइक है, ये जो रोड प्रिंस जो भी कोई बाइक है ना, ये अगर आप लेके जाएं, मतलब एक ब्रांड न्यू बाइक भी आप लें ना, तो मैक्सिमम आप 100-200 किलोमीटर चलाएंगे तो इस बाइक की दुमची खड़कना शुरू कर देगी, इशारे लटक जाएंगे। फिर इसकी जो वायरिंग होती है, इसमें बहुत इशू निकलते हैं, क्योंकि इसकी वायरिंग कॉपर की नहीं होती, 70 की वायरिंग कॉपर की होती है, तो इस लिहाज से ये थोड़ी सी रिलायबल है। बाकी लुक्स वाइज एज़ यूजल, जैसे 60 सालों से बाइक आ रही है वही चेंज है, सिर्फ ये मीटर की स्टिकर्स वगैरह, मतलब अंदर के जो ग्राफिक्स हैं इसको चेंज कर देते हैं, या स्टिकर की चेंज, मतलब स्टिकर को चेंज कर देते हैं, या इसको नीला पीला सिल्वर इसको कर देते हैं, बस ये चेंज करते हैं, और तो ये होंडा वाले को चेंज दे नहीं सकते। और क्वालिटी डे बाई डे ये डिक्रीज़ कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये पेंट क्वालिटी देखते हैं, यानी ये होंडा वाले एक सड़क पे बैठ के मोटरसाइकिल बना रहे थे, और मिट्टी में बैठ के, यानी गांव पे बैठ के मोटरसाइकिल बना रहे थे। इनको अक्ल नहीं है कि आप एक अच्छे साफ़ सुथरे डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में बाइक के पार्ट्स को पेंट करो। सेम ये इसी साइड पे भी है। तो ये क्वालिटी है होंडा बाइक की। फिर यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि अब आप चार मूले पेचकस के साथ ही टापा खोलें। इस साइड पर इन्होंने, चलो शुक्र है इस साइड पे इन्होंने ये नहीं दिया, वरना ये दोनों साइड पे पहले चाबी वाले ही आते थे।
बाकी ओवरऑल जो बाइक की खसूसियात है वो यार वो मैंने ली इसलिए क्योंकि मुझे फ्यूल एवरेज कंसर्न था और 70cc कैटेगरी में सबसे अच्छी जो एवरेज है वो इसकी है। ये मैं चैलेंज के साथ, क्योंकि मैंने कोई पैसे नहीं कह रहा, मैंने बाइक को ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर ड्राइव की है और 700 किलोमीटर ड्राइव करके ही ये एवरेज कैलकुलेट किया, तो मुझे 40 से 50 की स्पीड पर इसने 75 की एग्जैक्ट एवरेज दी है। और जो चाइना की बाइक होती है ना वो बेशक नई भी हो तो वो 50 से ऊपर एवरेज नहीं देती, तो इसमें 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं, तो बस लेने का मकसद यही है। और मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप चाइना की बाइक पे, क्योंकि चाइना की बाइक भी अब 1,15,000-1,10,000 की होगी भी है, तो आप अगर किसी का बजट नहीं है तो एक दो साल चली भी ले ले, लेकिन प्रेफर यही मैं करूँगा कि होंडा ले। बेशक ये इतनी वैल्यू टू मनी नहीं है इस प्राइस में, मैक्सिमम 40-50 हज़ार की मोटरसाइकिल है, इससे ज़्यादा की नहीं है, लेकिन अब डॉलर महंगा हो गया है, महंगाई हो गई है, तो अब उस इस चीज़ पे तो हम बेस्ट कर नहीं सकते। लेकिन आज भी ये बाइक मतलब कंफर्ट के लिहाज से और अपने पार्ट्स की जो मतलब रिलायबिलिटी है उसके लिहाज से ये बाइक बेस्ट है। ये एक 13 मॉडल की 70 भी खड़ी है और ये 24 मॉडल की है, तो इसमें आप देखें, मैं आपको एक मेन चीज़ दिखाता हूँ, इसकी लाइट आप देखें, ये ब्रैकेट मेटल की है और लाइट सेपरेट है, यानी इसकी आप क्वालिटी देखें, फिर इसकी सीट की पतरी देखें, ये मेटल की पतरी है और इसमें जबकि पूरा ब्रैकेट ही और लाइट समेत ही प्लास्टिक है, यानी खुदा ना खास्ता पीछे से बाइक लगे तो ये ब्रैकेट भी गया, लाइट भी गई, और तीन बंदे तो आप बिठाने का सोचे भी ना, क्योंकि अब इन्होंने जो पतरी दे दी है ना अंदर वो प्लास्टिक की दे दी है, तो आपने इस बाइक को थोड़ा ज़रा केयर करनी है क्योंकि अब ये बहुत हल्की दे दी है इन्होंने। पुरानी बाइक जो ये थी ये ज़रा थोड़ी सी रिलायबल थी और स्ट्रॉन्ग भी थी, तो अभी भी आप देखें अपनी एज के लिहाज से ये बाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसके हैंडल की पतरी देखें कितनी एक्यूरेट और सीधी है, यहीं पे अगर आप ये 24 मॉडल है इसकी पतरी आप देखें, यानी होंडा वालों से एक पतरी भी मतलब सीधी नहीं, अलाइन करके नहीं लगाई गई, ये हालात है होंडा वालों के, तो अब बंदा क्या बोले इनको। खैर अभी टाइम के साथ पता चलेगा कि इसके अंदर और क्या क्या खामी निकलती है, अभी तो ये सिर्फ 700 किलोमीटर ही चली है। तो यार ये थी आज की छोटी सी वीडियो, सिर्फ मकसद ये था बताना कि मैंने बाइक ली है और उस बाइक के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना था। अभी इंशाल्लाह इसके 1000 किलोमीटर पूरे होते तो हमने इसकी करवानी है ट्यूनिंग, और ट्यूनिंग किस तरह करवाते हैं, आपने मैकेनिक को क्या बोलना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बस जाके बाइक दे देते हैं कि सर्विस करते हैं, और इसकी ना शायद जिसने ये बाइक ली है उसको पता होगा, या जिसने भी नई बाइक ली है, पहले 3 ट्यूनिंग फ्री मिलती है, वो सिर्फ नाम की ट्यूनिंग है, उसमें सिर्फ आपका कार्बोरेटर खोल के या मैगनेट कवर खोल के पेट्रोल के साथ धो के आप करते हैं आपकी ट्यूनिंग होगी, ऑयल भी आपने अपने पैसों का लेना है, इसके चक्के टेढ़े होते हैं नई बाइक के वो भी आपने कुछ सीधे करवाने हैं, और इसके मडगार्ड के अंदर लुक लगती है जिससे जंग ना लगे वो भी आपने खुद करवाना, यानी सब कुछ खुद करवाना, वो सिर्फ एक नाम का आपको कूपन दिया हुआ कि फ्री सर्विस है। तो खैर अब उनके पास जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी नई बाइक का क्या क्या करवाना है उनसे, क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि नई बाइक को आपने पूरे एक तो नट कसवाने हैं पूरी बाइक के, एक एक नट कसवाना है, इसकी बैटरी का तजाब है वो आपने चेक करना है, ठीक है, इसके दोनों व्हील खोल के इसकी ब्रेक सर्विस करवानी है, व्हील बेल्जिंग तो वो नहीं करेंगे, वो आपने खुद ही करवानी, लुक भी आपने खुद करवानी है मडगार्ड के अंदर, चेन वगैरह सारी लुब्रिकेशन वो दिखानी देखनी है, कारपेटर ही आपने खुलवा के कुछ करवाना, सिर्फ एयर फिल्टर साफ़ करवाएं, क्योंकि इन बाइकों के कारपेटर को मतलब छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने कारपेटर क्लीनर के साथ इसको सारा साफ़ कर देना है और एयर फिल्टर साफ़ करने, दैट्स इट। इसको एक दफ़ा आपने छिड़वा दिया कारपेटर को किसी भी लोकल मैकेनिक से, तो फिर ये बाइक कभी भी आपको वो एवरेज नहीं दे पाएगी जो अभी ये दे रही है। तब तक अपना ख्याल रखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अगर इस बाइक के रिलेटेड किसी ने भी कोई भी सवाल पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको कमेंट में लाजमी जवाब दूँगा। अल्लाह हाफिज़।